इसमें एक नया लीडर नेतृत्व करने वाला है तुम्हारा। स्पाई, इन शॉर्ट ही इज द गोट ऑफ सैक्स। उम्र हो गई है, स्क्वाड से इतने साल बाहर था, अब क्या ही कर लूंगा। चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, अ लायन इज ऑलवेज अ लायन। सो थलापति विजय की आने वाली तमिल फिल्म में द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के हिंदी ट्रेलर को अब रिलीज करवा दिया है। सो आइए बात करते हैं इस मूवी के हिंदी ट्रेलर के बारे में और जानते हैं कैसा है इस मूवी का ट्रेलर और इस मूवी के हिंदी ट्रेलर की हिंदी डबिंग। थलापति विजय की आने वाली तमिल साईफाई एक्शन फिल्म में द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिस मूवी का हिंदी टाइटल है थलापति इज द गोट, और इस मूवी को डायरेक्ट किया यहाँ पर डायरेक्टर वेंकट प्रभु ने और इसमें म्यूजिक दिया युवन शंकर राजा ने। सो फाइनली आज यानी 17 अगस्त को शाम को 5 बजे इस मूवी के ट्रेलर को रिलीज करवा दिया गया है, जहाँ पर इस मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज करवाया गया है तमिल, तेलुगु और हिंदी यानी कि तीनों ही लैंग्वेजेस में। इस मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज करवा दिया गया है शाम के 5 बजे 17 अगस्त को। और मूवी के ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर निकल कर आया है 2 मिनट 53 सेकंड्स का, जहां पर ये ट्रेलर लंबा तो है बट एक्सलेंट है, जहां पर ट्रेलर के कट्स, बीजीएम, डायलॉग्स और साथ में थलापति विजय के दोनों कैरेक्टर्स के लुक जो है काफी बेहतरीन है। और ट्रेलर लंबा होने के बावजूद जो है मूवी की स्टोरी को रिवील नहीं करता है और ना ही ट्रेलर कहीं पर भी बोर करता है। मतलब 2 मिनट 53 सेकंड्स का ट्रेलर कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि ट्रेलर जो है एंगेजिंग है इसके बेहतरीन कट्स और अच्छी एडिटिंग प्लस बैकग्राउंड स्कोर की वजह से। और सच में ट्रेलर जो काबिलियत तारीफ है, ट्रेलर में लगभग सभी कैरेक्टर्स को दिखा दिया गया है, जहां पर थलापति विजय के साथ साथ स्नेहा, जयराम, प्रभुदेवा, प्रशांत, मीनाक्षी चौधरी, लेला, योगी बाबू, अजमल आमिर, बेबब रेड्डी और प्रेम की अमरन को भी जो दिखा दिया गया है। और ट्रेलर को ऐसा एडिट किया गया है कि इसको देखकर जो है मूवी की स्टोरी का पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हाँ इतना है कि इस मूवी के अंदर थलापति विजय जो है हम सभी को बाप और बेटे का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। और ये मूवी जो है एक रिवेंज स्टोरी होने वाली है, जिसके अंदर हम सभी को एक्शन, थ्रिलर और कुछ साईफाई एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं इसके हिंदी ट्रेलर की हिंदी डबिंग के बारे में, तो इसके हिंदी ट्रेलर की हिंदी डबिंग जो है वो अच्छी है, लेकिन थलापति विजय के जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, उन दोनों कैरेक्टर्स को जो वॉइस दी गई वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, यानी कि थलापति विजय के दोनों कैरेक्टर्स पर वो वॉइस सूट ही नहीं हो रही, ना जाने किस वॉइस आर्टिस्ट ने यहाँ पर उनको डब करा लिया है, जो थलापति विजय के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। स्क्वाड से इतने साल बाहर था, अब क्या ही कर लूंगा। मेरा मानना है कि थलापति विजय के दोनों कैरेक्टर्स की हिंदी वॉइस को यहाँ पर फिल्म के रिलीज से पहले चेंज करवा देना चाहिए। संकेत महात्रे या सनूर मिर्जा में से किसी भी एक आर्टिस्ट थलापति विजय के कैरेक्टर्स को हिंदी डब करवा लेना चाहिए मेकर्स को, जो कि काफी अच्छा डिसीजन होगा। सो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या इस मूवी की हिंदी वॉइस ओवर को यानी कि थलापति विजय की हिंदी वॉइस को चेंज किया जाता है या फिर AGTC रहने दिया जाता है। वैसे आपको ये वॉइस कैसी लगी, कि आपको ये वॉइस थलापति विजय के लिए पसंद आई है नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने भी इस मूवी का ट्रेलर देख लिया तो आपको मूवी का ट्रेलर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस मूवी को रिलीज किया जाने वाला है 5 सितंबर 2024 में, जहां पर इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में, और इस मूवी को IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज किया जाएगा। सो आने वाले टाइम में और भी किसी नई मूवी की अपडेट मुझे मिलती है या किसी मूवी की हिंदी रिलीज डेट को कंफर्म किया जाता है तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।